सो फ्रेंड, मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही चटपटी से, करारे से, क्रिस्पी सा गेहूं के आटे का कचौरी का रेसिपी, जो कि बहुत ही झटपट और जल्दी बन के रेडी हो जाता है बहुत ही कम सामान में, और बाज़ार से मिलने वाली कचौरी से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के रेडी होता है। सो फ्रेंड, देर ना करके चलिए रेसिपी शुरू करते। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस रेसिपी को बनाने के लिए बड़ा सा मिक्सिंग बाउल में मैं यहाँ पे एक कटोरी गेहूं के आटे डाल रही हूँ। गेहूं के आटे में मैं यहाँ पे एक चम्मच चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। कचौरी को बहुत ही करारी और क्रिस्पी बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक बड़े चम्मच सफ़ेद तिल डाल रही हूँ और कटी हुई धनिया पत्ता डाल रही हूँ, एकदम चॉप्ड की हुई धनिया पत्ता डाल रही हूँ। फिर आटे में बहुत ही अच्छे तरह से मोयन के लिए मैं यहाँ पे दो बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप ऑयल की जगह यहाँ पे घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फिर हम हाथों में अच्छे तरह से मसल मसल के आटे में ऑयल को अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे। हमारा आटा मुट्ठी करने से अगर मुट्ठी बन रहा है तो हमारा मोयन एकदम परफेक्ट है। अगर आपका मुट्ठी नहीं बन रहा है तो आप यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल और डालिए। फिर हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एकदम सॉफ्ट डो बना के रेडी करेंगे। हम एकदम रोटी के लिए जैसे आटा लगाते उसी तरह से गूंथ लेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा हम सॉफ्ट बनाएंगे, नहीं तो हमारा जब कचौरी बनेगा कचौरी हमारा फट जाएगा। इसलिए हम थोड़ा सॉफ्ट डो बना के यहाँ पे रेडी किए हैं और डो को थोड़ा सा सेट होने के लिए हम 5 से 10 मिनट तक ढक के छोड़ देंगे। सो फ्रेंड, नेक्स्ट मैं यहाँ पे दो उबले हुए आलू को एक फोर्क के हेल्प से अच्छे तरह से मैश कर लूँगी। आप यहाँ पे ग्रेट भी करके ले सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरह से एक भी बड़ा टुकड़ा ना रहे इसीलिए अच्छे तरह से आप यहाँ पर मैश कर लेना आलू को। आलू हमारा अच्छे तरह से मिक्स हो जाने के बाद एक छोटी चम्मच धनिया पाउडर, एक छोटी चम्मच जीरा पाउडर और स्वाद अनुसार आप तीखा डालें। मैं यहाँ पे मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, आप यहाँ पे हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। एक छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ और एक छोटे चम्मच यहाँ पे मैं आमचूर का पाउडर डाल रही हूँ। आपके पास आमचूर का पाउडर नहीं है तो आप यहाँ पे चाट मसाला भी डाल सकते हैं, क्योंकि आलू में बहुत ही एक चटपटा सा फ्लेवर लाने के लिए यहाँ पे हम चाट मसाला या फिर आमचूर पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर मैं यहाँ पे आधा छोटी चम्मच गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। फिर कस्तूरी मेथी को, एक बड़े चम्मच कस्तूरी मेथी को हाथों में अच्छे तरह से क्रश करके मैं यहाँ पर डाल रही हूँ, जैसे कि कस्तूरी मेथी का जो फ्लेवर है क्रश करके डालने से बहुत ही उभर के आता है। फिर मैं यहाँ पर हरी धनिया को चॉप्ड करके डाल रही हूँ। फिर मैं यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक डालूंगी। और आपका आलू यहाँ पे ज़्यादा चिपचिपा है तो आप यहाँ पे दो बड़े चम्मच बेसन का इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो मेरा आलू इतना चिपचिपा नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे एक बड़े चम्मच बेसन डाल रही हूँ। बेसन से कचौरी का टेस्ट 4 गुना बढ़ जाता है। कचौरी को अगर ज़्यादा टेस्टी बनाना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे बेसन का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। फिर आप यहाँ पे मसाले और बेसन को अच्छे तरह से आलू में मिक्स कर लीजिए। आलू के स्टफिंग यहाँ पे रेडी हो चुका है, फिर हम इसे साइड में रखेंगे। और जो गूंथे हुए आटे हमारा बहुत ही अच्छे तरह से सेट हो चुका है यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर हम थोड़ा सा एकदम पूरी से थोड़ा सा बड़ा और रोटी से छोटा लोई ले लेंगे, इसे हाथों के हेल्प से अच्छे तरह से दबा के गोल गोल थोड़ा सा फैला लेंगे। आप यहाँ इस तरह से हाथों के हेल्प से आप फैला नहीं पा रहे हो तो आप बेलन के हेल्प से थोड़ा सा बेल के बड़ा कर लीजिए। फिर इसके अंदर बीच में आलू का स्टफिंग को अच्छे तरह से भर दीजिए। आटा हमारा यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरह से सॉफ्ट है, आप इस तरह से चम्मच के हेल्प से आलू को अंदर तक दबा दीजिए और आटे बहुत ही आसानी से ऊपर आ जाता है। फिर हमें इससे चारों ओर आटे को बीच में से आलू का रख के चारों ओर इसे बंद कर लेंगे। इस तरह से कुछ आप बंद कर लीजिए, फिर इस तरह से गोल गोल घुमा के हाथों में प्रेस करके फिर से थोड़ा सा और फैला लीजिए गोल के आकार में। आप यहाँ पे बेलन की हेल्प से भी इसे बेल के ले सकते हैं। यहाँ पे हमारा एक कचौरी फ्राई होने के लिए रेडी हो गया। इसी सेम प्रोसेस में हम दूसरे कचौरी को भी रेडी कर लेंगे। उसी तरह से एक लोई ले लेंगे, लोई को हाथों में थोड़ा सा दबा दबा के हम बड़ा कर लेंगे। फिर उसके अंदर हम आलू के स्टफिंग को फिर से भर लेंगे चम्मच के हेल्प से, और चम्मच में अच्छे तरह से जैसे पहले दबा दिए थे उसी तरह से सेम प्रोसेस में इसे अंदर तक दबा देंगे और आटा हमारा बहुत ही आसानी से ऊपर आ जाता है। फिर इसको अच्छे तरह से हम चिपका देंगे और गोल गोल इस तरह से हाथों में घुमा के प्रेस करते हुए बड़ा कर लेंगे। यहाँ पे हमारा दूसरा कचौरी भी फ्राई होने के लिए रेडी हो गया है। इस तरह से हम सारे आटे और आलू का इस तरह से कचौरी बन के रेडी करके रखेंगे।
यहाँ पे सारे कचौरी बन जाने के बाद फिर हम ऑयल गरम कर लेंगे। ऑयल जब अच्छे तरह से हमारा गरम हो जाए फिर हम कचौरी को तलने के लिए यहाँ पे ऑयल में छोड़ देंगे। कुछ देर हम ऑयल में इसे ऐसे ही फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे कच्चा हम इसे टच करेंगे तो ये फट भी सकता है। कचौड़ी हमारा जब बहुत ही अच्छे तरह से फूल जाएगा और बहुत ही अच्छे तरह से जब गोल्डन ब्राउन हो जाएगा फिर हम ऑयल से इसे बाहर निकाल देंगे। यहाँ पे आपको गैस का फ्लेम को मीडियम रख के इसे फ्राई करनी है। यहाँ पे हमारा फुला फुला कचौड़ी बन के रेडी हो चुका है, हम गैस से बाहर निकाल रहे हैं। फिर हम उसी सेम प्रोसेस में सारे कचौड़ी को फ्राई करके रेडी कर लेंगे यहाँ पे। सो फ्रेंड, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा गर्मा गर्म फुला फुला कचौड़ी बनके यहाँ पे रेडी हो गया। गर्मा गर्म इसे सर्व करें और फैमिली के लोगों से बहुत सारी तारीफें लूटे। आप इसे इवनिंग में चाय के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। सो फ्रेंड, यहाँ पे आप अंदर से देख सकते हैं आलू का जो स्टफिंग है वो अंदर से बहुत ही अच्छे तरह से लग चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं। और हमारा कचौरी कितना फुला फुला क्रिस्पी बन के रेडी हुआ है। सो फ्रेंड, खाओ पियो एंजॉय करो। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, ऐसे ही बहुत सारी न्यू एंड यूनिक रेसिपी के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले न्यू एंड यूनिक रेसिपी के साथ।